नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। भिकीवंड के नजदीकी गांव माड़ी मेघा के पास एक मोटरसाइकिल और स्कूल वैन की हुई टक्कर, एक छात्र की मौत, दो घायल। सुनाम संगरूर कैंचियां के पास मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, हुई मौत। नाभा में गत रात्रि चोरों ने दो घटनाओं को दिया अंजाम। गैस एजेंसी से 2.5 लाख रुपए की नकदी और घर के बाहर खड़ा ट्रक लूट हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। भिकीवंड के नजदीक गांव माड़ी मेघा के पास एक मोटरसाइकिल और एक स्कूल वैन की टक्कर हो गई, जिस कारण मोटरसाइकिल सवार एक विद्यार्थी की मौत हो गई, जबकि दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों विद्यार्थी कलगीधर पब्लिक स्कूल भिकीवंड के छात्र हैं, जिसमें गुरसाजन सिंह निवासी गांव ढल, जो कि 10वीं कक्षा का छात्र था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुखमनदीप सिंह और अर्शदीप सिंह दोनों निवासी गांव ढल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भिकीवंड के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। भिकीवंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक सवेरे बच्चे स्कूलों आ रहे ही, अगों बच्चों की गड्डी जी उधर डाल साइड में जा रही, रस्ते की खड्डे आ, खड्डे के कारण ही एक्सीडेंट होया। खड्डे सरकार ने कदों दिया 10 साल हो गए छड़ के बनी नहीं गई, वो खड्डा वो बचाऊंदा ही ते दूजा वो बचाऊंदा ही, खड्डे के कारण ही एक्सीडेंट हो गया। एक बच्चे की तो मौत हो गई, तो दो बच्चे अजे सीरियस पे आ। तो की मांग करते सरकार? अही सरकार तो यह मांग करते हैं भी जे लारे ला के छड़क नहीं बनाते, छड़क बना गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसका दोस्त मौके से फरार हो गया। ये घटना आधी रात की बताई जा रही है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुनाम के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों में खेल मेले के दौरान कहासुनी हो गई थी और इसी बात को लेकर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। सुखजिंदर सिंह का शव जमीन पर पड़ा मिला और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। शरीर पर गोली लगने का निशान था। आसपास के लोगों ने बताया कि यह हत्या उसके दोस्त ने की है। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मेरा भरा 1 बजे घरों गया जी, नाल मुंडा धर्मिंदर ना का, इतों शेरों तो मुंडा जी, वो नाल सीगा जी, और दो तीन यार दोस्त सीगे दे नाल, टूरनामेंट ते गए ने जी। उत्थे जाके इन्हां दी पता नहीं की आपस कोई गल हुई है या नहीं, आपां नूं कोई मैं नाल नहीं हैगा सीगा। उत्थों ये रात नूं लालो 11 बजे वापस आ गए ने। वापस आ के विच मुंडे दसदे ने कि जिदा उत्थे माड़ा मोटा सुखी नाल होया कि जिदा दारू पी रखी सी, वो मुंडे ने स्टेज पर चढ़ता सीगा, इन्हें सुखी ने कहा भी तू ना मतलब चढ़ कि तेनों उपर है ना बेइज्जती वाला काम है भी पी रखी तू रहन दे, चलो जिदा रोकया इन्हें, पता नहीं वो इन्ने मन च की गुस्सा आ गया। उस बाद आ के इतने संगरूर कैंचियां रोटी खाने ले के यदि गड्डी मुंडा यदि गड्डी बह के आके इतने आके जो रोटी खाने लगे ने ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਸ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੌਣ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਸਟਲ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘੜਾਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੌਟਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
नाभा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे बेखौफ होकर एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। गत रात्रि नाभा में दो घटनाएं घटी। पहली घटना में तीन लुटेरों की ओर से दास गैस एजेंसी के कार्यालय को अपना निशाना बनाया गया और 2.5 लाख रुपयों की नकदी लूट ली गई। इसके बाद महज 3 घंटों के अंदर ही चोरों ने दूसरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें चोर घर के बाहर खड़े ट्रक को चोरी कर फरार हो गए। वहीं ट्रक चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है और ट्रक का मालिक एक्टिवा पर सवार होकर चोरों का पीछा करते हुए कई किलोमीटर तक गया। तो वहीं पीड़ित परिवार का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना था कि वे ट्रक चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और अब उनके घर का गुजारा कैसे चलेगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सर साढ़े फादर साहब तो चलते आ रहे हैं ये ट्रक, अगो उन्होंने कोविड की डेथ हो गई, उस तो बाद असी चला रहे सी। ये ट्रक कितनी कीमत सी जेड़ा रात चोरी हुआ? इसकी कीमत लगभग 10 लाख के करीब सी जी। पता किमें लग गया परिवार? असल साढ़े ग्यारह तो पौने बारह बजे के बीच गड्डी स्टार्ट हुई जी, क्योंकि साढ़े घर के सामने ही साढ़ा ट्रक खड़ता है जी। जो असी गड्डी स्टार्ट हुई, मेरे ब्रदर ने कहा भी अपनी गड्डी स्टार्ट हुई है जी। असी फौरन ही गेट खोलिया तो साड़ी गड्डी स्टार्ट करके वो इतों दलद्दी गेट के मोड़ तक लैके गए ने जी। गड्डी इन्नी ज़्यादा फास्ट सी, इन केस जो कोई अगे भी हों तो वह जानी मानी नुकसान भी हो सकता सी। असी नाल दी नाल एक्टिवा ते मैं मेरा ब्रदर नाल साडा नेबर दा बेटा सी जी, उन्हां दा ही असी उहदे पिछे तक गए हाँ। ट्रक यूनियन तक गड्डी सानू दिखी है, उस तो बाद फॉगिंग ज़्यादा सी जी, सानू गड्डी नहीं दिखी। साढ़े तक जिथे तक साडा अंदाजा साडी गड्डी पातड़ा या खनोरी तक गई है गड्डी। आई साधन सीगा बच्चों के पापा एक्सपायर हो गया, 1.5 साल पहले कोविड नाल जो थोड़ा बहुत असं उस टाइम उन्होंने लाता, हूँ इस टाइम यही एक गड्डी सी जिसने बच्चे अपना गुजारा कर रहे हैं। परिवार के कितने मेंबर हैं जरा ऐसे रोजी रोटी दे? दो बेटे हैं जी, एक बेटे का ब्याह होया पे, बच्चा वो गुड़िया हैगी है, मैं एक छोटा बेटा। यही मांग करते हैं जी बच्चों का, एक गड्डी का सहारा सीगा भी ये बच्चों का कुछ किया जाए जी। पंजाब में दिन ब दिन लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और लुटेरे बेखौफ होकर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है नाभा के सर्कुलर रोड पर स्थित दास भारत गैस एजेंसी के कार्यालय में, जहां दो लुटेरे बेखौफ होकर तेजधार हथियारों की नोक पर 2.5 लाख रुपये की नकदी लूट कर फरार हो गए और इन दोनों लुटेरों का तीसरा साथी मोटरसाइकिल पर इन दोनों को बिठाकर रफू चक्कर हो गया। तो वहीं यह सारी घटना कार्यालय के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही नाभा कोतवाली के एसएचओ हैरी बोपाराय पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग एंगलों से लुटेरों की तलाश कर रहे हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। 2.5 लाख रुपए की लुट हुई है, तो दो बंदे आए उन्होंने को हथियार सी, एक कोल तो सी राड़ जी, एक कोल सीगा वो गंडासा। अच्छा जी। तो मैं उरे बैठा सीगा चेयर ते आए तो मैं तो चाबी मंगन लग गए दराज की, चाबी लई दराज चो पैसे क्ढे तो मैं जाते हुए बाथरूम में कुंडी ला के अपना निकल गए। मैं कला सी। जी हाँ। ये है बस 8 बजे की गल है, 8:15 बजे की गल है। अंदर नो तो पैदल ही आए, उधर अपना मोटरसाइकिल उधर खड़ा के आए हो गए पाली साइड। दास भारत गैस एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया, जो अभी मौके पर आए हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह अभी चैक कर रहे हैं। वे 3 व्यक्ति आए ने, असी मुकदमा रजिस्टर करके यदि तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। ठीक कर रहे आए थे जी, ये मोटरसाइकिल आए थे जी, वो अभी बाकी चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। इंटरनेट के आने से जहां लोगों का काम आसान हो गया है, तो वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले भी हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। अलर्ट रहने की अपील के बावजूद लोग हर दिन ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं, जिसका ताज़ा मामला सुल्तानपुर लोधी के गांव मसीता में सामने आया है, जहां एक गरीब अनपढ़ बुजुर्ग इस ठगी का शिकार हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित मंगा ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से फ़ोन आया था और वह उसे अपना रिश्तेदार बताकर कहने लगा कि वह उनके खाते में 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर रहा है।
वे उसे अपना अकाउंट नंबर भेज दें। जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भेज दिया तो उसने 8 लाख रुपए फर्जी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ समय बाद ठग का फिर से फ़ोन आया और कहा कि उसका रिश्तेदार बीमार है, इसलिए उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए वह उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दे। जिसके बाद पीड़ित ने ठग के झांसे में आकर आरती से नकद पैसे लेकर ठग के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए की आरडी करवा दी, जिसके बाद वह और पैसों की मांग करने लगा। जब उसने आरती को यह सारी बात बताई तो इस ठगी का खुलासा हो गया, इसलिए पीड़ित ने जिला पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे ठगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि और लोग ठगी का शिकार ना हो सके। गलबात भाजी, मतलब हाडे ना डैडी हुणां नूं फोन आया सीगा ते साडे रिश्तेदार हैगे जिहड़े इत्थे मासी हुणी डडविंडी, डैडी उन्होंने कॉल आई है, कहिंदे है भी मतलब भी तुहाडे अकाउंट दे विच इन्ने पैसे पाते अं 8 लाख रुपया, तो भी मतलब सानू जदों मतलब लोड़ होगी तो अं लै लाँगे। तो फिर मतलब कॉल आई, कहिंदे भी सानू मतलब मजबूरी आ, साडी मतलब माता बीमार आ, तो सानू मतलब 1.5 लाख रुपया मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ? ਭਾਅ ਜੀ ਆਹ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਭਾਅ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਾਅ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। वारिस पंजाब जत्थेबंदी के सेवादार भाई अमृतपाल सिंह के पंजाब आने के बाद जहां बहुत से नौजवान उसे अपने दिलों की धड़कन मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनका विरोध भी कर रहे हैं, जिसके चलते चमकौर साहिब के रहने वाले वरिंदर सिंह की ओर से भाई अमृतपाल सिंह का विरोध करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई थी। जिसके बाद जब वरिंदर सिंह सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर में नतमस्तक होने के लिए आया था, जिसके बाद वह अचनाला में दमदमी टकसाल के संतों की बरसी के मौके पर नतमस्तक होने के लिए पहुंचा, तो वहां पर कुछ सिंह उससे अपनी बातों में फंसाकर अचनाला से अगवा कर उसे जंडियाला गुरु ले गए, जहां पर भाई अमृतपाल सिंह की ओर से उसके साथ मारपीट की गई। इसलिए अब पीड़ित वरिंदर सिंह की ओर से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। वहीं इस मामले में जब अजनाला पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा मसला अमृतपाल सिंह दे नाल ते उन्हां दे जथे दे सिंघां नाल चलदा सीगा जी। असीं इन्हां नूं थोड़ा सच दसण की कोशिश की सीगी, जो साढ़े कोल जिहड़ियां असीं इन्हां ते लाई सी अपनी फेसबुक ते जो भी गल्लां पाईआं सीगीआं जी, वो पूरी तत्थ के आधार से पाई सी। तो चलो आप माफ़ी मंग सकते हैं जिन्होंने किसी गल का बुरा लगे, भी चलो आप माफ़ी मंग लूँगे बरे, भी जे मेरे तो कोई गल शब्द बत घट कह हो गया तो मैं वो माफ़ी मंगदा, पर मैं झूठ कुछ नहीं लिखा, मैं लिखा सही हुआ जी। उन्होंने ना मेरी कोई फतेह का जवाब दिता जी, तो पैंती सट्टे मेरे चपेड़ा तो माँ भैन दियाँ गालां इन्नियां कु गंदियां कढ़ियां, मेरे 15-20 चपेड़ा मूँह सारा ही लाल करता, परना मेरा खुलेगा जी, केस खिंड गए जी, है ना जी। इदा बहुत गंदियां माँ भैन दियाँ शब्दावलियाँ, तो टब्बर नूं मारन दियां धमकियां भी, तेरा टब्बर मार देना सी, तू साडे खिलाफ आए बोलदा है, यानी उत्थे कह लो भी 35-40 बंदियां च मेरा बस नहीं चलिया जी, भी 3-4 घंटे जिहड़ी मार कटाई उत्थे मैं सही है जी। डंडे सीगे जी ते 315 सीगी, 12-4 सीगी, 6-0 सीगा जी, उह तां बार बार दिखाई हो गए। मैं उहनां नूं जदों कहिंदे सीगे भी मैं अग्गे तों गलती नहीं करूँगा, कहिंदे तुहानूं अग्गे तों गलती करन वास्ते छड्डणा ही है नहीं। वरिंदर सिंह सन ऑफ सुखदेव सिंह इत्थे हॉस्पिटल दाखल सी, इनफॉर्मेशन आई सानूं ते असीं उत्थे गए हां, तो उन्हें अपना बयान लिखाया कि मैं कल पिंडों अपने नाल इन्हां दे जसपाल सिंह ते हरप्रीत सिंह दो बंदे ने उत्तर अलग अलग पिंडां ते चमकौर साहब दे माछीवाड़ा दे, उन्हां दे नाल आया सी इत्थे बाबा जी कोल, भाई अमरीत सिंह होणा दे इत्थे समागम चल रहे ने 2-3 मुद्दे। उत्थे मैं आया ते मैनू किसी दा फोन आया कि जिहड़ा तुहाडा इशू कोई चलदा इन्हां नाल, भाई अमृत सिंह अमृतपाल सिंह खालसा नाल, तो उहदे बारे कोई विचार साझा करनियां ने। वो इत्थे इन्हां नूं सद लिया, इन्हां ने इत्थे गए ने ते उन्हां नूं गल्लां मिठियां जिहियां ला के ते डेरे तों बाहर लै गए, ते मुड़ के काली इक गड्डी सी ते इक सुजू सी काले रंग दी, उहदे च इहनूं लै के किडनैप करके धक्के नाल लै के चले गए अननोन जगह 'च जा के उत्थे मार कुटाई कीती। इहनें अपने फिर बयानां 'च दस्सिया कि उत्थे अमृतपाल सिंह वी सी ते उहदे नाल होर वी सिंह हैगे सी जिन्हां ने इहदे काफ़ी मार कुटाई कीती, इहदा मैडिकल कराया गया जी, ते ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ,
केस रजिस्टर कर दिता जिन्हों का भी उन्होंने बयान लिखा है अमृतपाल सिंह वगैरह के जी होर पांच छे बाई नेम होर है तो इस अलावा भी पच्ची बंदे ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਮੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸਮੇ ਨਈ ਤਾਰੇ ਖੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਪੋਲ ਸੜਕੋਂ ਔਰ ਗਾਓਂ ਕੋ ਤਲਾਬੋਂ ਕੋ ਨੀਚੇ ਸੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਉਨਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਹਿਮ ਹੈ जो वे अपने इलाके के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री उनकी बात अच्छे से सुनते हैं और वे जो भी अपने इलाके के लिए उनसे मांगते हैं उनको मना नहीं करते। उन्होंने अपने इलाके में 37 नई रोड बनाने का प्रपोजल भेजा था जिसमें से 17 पूरी हो चुकी हैं जिनका काम शुरू हो चुका है और साथ ही बाकी भी आने वाले समय में पूरे हो जाएंगे और जो बिजली का प्रोजेक्ट है वह वर्ष 2025 तक पूरा हो जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। तुसी सारे आए हो, एक तो सारा असी बिजली का ओवरहॉल कर देना है जिन्नी भी पुरानिया तारा है पुराने खंबे है वो ला देने है नवे लगन गए तो जिदे नाल जिहड़ा घाटा पैंदा पावर दी ट्रांसमिशन दे विच ओ घट जूगा उहदे नाल बड़ा मॉडर्नाइजेशन हो जूगी तो 24 घंटे सप्लाई होगी बिजली दी फ्लक्चुएशन नहीं होगी ऐ नहीं करूगा तो सारियां तुहाडे घर दियां जिहड़ियां वॉशिंग मशीनस ने फ्रिजडेयर्स ने होर बिजली दे जिहड़े भी मशीनां हैगियां वो फुकनगियां नहीं 2025 तक खत्म हो जूगा। उस वेले मैं शायद MP होवां ना होवां पर 25 तक ये सारा कुछ तिने ज़िलों के मुकम्मल हो जूगा। जंडियाला गुरु शहर के मोरी गेट के नज़दीक गुरुद्वारा श्याम सिंह में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की ओर से विरासती गेट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जंडियाला गुरु शहर जो कि किसी समय 7 गेटों के नाम से जाना जाता था समय समय की सरकारों की अनदेखी के कारण 7 में से 4 गेटों का अस्तित्व ही खत्म हो गया था और बाकी रहते 3 गेटों की हालत खस्ता हो गई थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर जंडियाला गुरु के निवासी कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ द्वारा इन 7 गेटों के नवीनीकरण के अलावा 8 गेट बनाने और जंडियाला गुरु के बर्तनों वाले बाजार को विरासती बाजार बनाने का प्रण लिया गया है और इन गेटों और विरासती बाजार को बचाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। देखो जंडियाला शहर दे विच जड़ा के बड़े लंबे समय तो इतों के वसनीकों की मंग भी सी और ये शहर काफ़ी अनगौलिया भी सीगा पिछले समय दे विच असी इस शहर नू एक नवी दिख प्रदान करन वास्ते क्योंकि इतिहासिक शहर आ बहुत पुराना वसया होया शहर आ इहदे विच गेट सीगे दरवाजे सीगे अज भी दरवाजे दे नां दे नाल मशहूर आ मसूलिया दरवाजा नथुआना दरवाजा मोरी दरवाजा बड़े 7 दरवाजे सीगे असी 8 दरवाजे इत्थे बना रहे हैं जिहड़े कि लगभग खत्म हो चुके सीगे अज असी इत्थे मोरी दरवाजा जिहड़ा कि जंडियाला शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण जिहड़ा एक बाजार है उहदे विच इधरों जुबली रोड तो आउंदिया इहदी एंट्री है इत्थे असी अज दरवाजा बनाउण दा उद्घाटन किया और जल्द ही 2 महीने दे विच ये दरवाजा बन जाएगा। असी पूरे जंडियाले दे विच दरवाजे बना रहे हैं रोड्स बना रहे हैं ठठियारां वाला बाजार जिहड़ा कि साडा यूनैसको की हैरीटेज साइट के उत्ते रजिस्टर्ड उन्नू भी असी इंपरूव करन दे उत्ते लगे हुए हैं।